Okay, good morning everyone. This is Roger Vicky again, and this video will be the last video while being shooted in Mumbai, you can say, क्योंकि आज का डेट है 7th of June और कल जो कि 8th of June को रात को 12 एक दो बजे मैं निकल जाऊंगा, जो कि ऑलरेडी 9th of June हो जाएगा. फिलहाल मेरे साथ है रोहित. ओके, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ. जैसे कि एक मेडिकल किट लिया हूँ मैं नया, वो मैं अनबॉक्स कर दूंगा आपको दिखाने के लिए. और छोटे मोटे चीज़ें जो मैंने ख़रीदा है मेरे लद्दाख राइड के लिए, वो मैं बता दूंगा. एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आया है सबका, वो है वाई एम गोइंग टू रिमूव माई इंदौर साइलेंसर, आई एम गोइंग टू पुट माई स्टॉक साइलेंसर. क्योंकि देखो क्या होता है ना, लॉन्ग राइड पे ना, जब इंदौर साइलेंसर हो चाहे कोई भी साइलेंसर हो, मुझे ये फील होता है, बाकी सबका नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे फील होता है कि यू नो, जब जो फायरिंग की वजह से ना, क्या ना, बाइक थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है. और वाइब्रेशन की वजह से ना, जितना आपको मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप 500 किलोमीटर स्ट्रेच कर सकते हो, तो वो 500 की जगह 400 में ही थक जाओगे. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे हैदराबाद राइड में भी और मेरे गोवा राइड में भी. इसलिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टॉक साइलेंसर डाल रहा हूँ. स्टॉक साइलेंसर क्या होगा कि गाड़ी एकदम स्मूथ रहेगी, आपको वाइब्रेशन उतना पता नहीं चलेगा और अच्छा खासा आप लंबा किलोमीटर खींच सकते हो. इसी की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज कम देने वाला है या एवरेज ज़्यादा देने वाला है या कुछ और प्रॉब्लम्स होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सिर्फ मैं अपने लिए, क्योंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं स्टॉक साइलेंसर डाल रहा हूँ. ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ. कुछ सामान मुझे ख़रीदना है, कुछ राहुल को भी ख़रीदना है, लाइक मेरे को मिरर्स ख़रीदना है और मेरा जो स्टिकर्स है वो भी मैं लेने जा रहा हूँ, जो कि लद्दाख राइड और मेरा यूट्यूब का स्टिकर है, हैदराबाद राइड का स्टिकर है, जो हम लोगों ने बनाया नहीं था, वो आज जाके लेने वाले हैं फाइनली. बाय द वे, वो रहा राइनस का टैंक बैग, मुझे गिरीश ने दिया, तो थैंक यू सो मच गिरीश ये टैंक बैग देने के लिए. और जो टैंक बैग मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, वो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे लद्दाख ट्रिप में. बट उसमें वीडियो में मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, वो मैं यूज़ करूंगा. उसके बाद फिर उसका गिव अवे का भी जो बात है, वो मैं एक बार संकेत से बात करके फिर मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा कि गिव अवे कैसा है कैसा नहीं है. ओके, वेनम का जो आपने पिछले वीडियो में देखा है, मैंने सिर्फ आपको फ्यूल बॉटल मैंने से दिखाया वेनम का. और भी चीज़ें जो वेनम के हैं, वो कैसा है कि आपको अगर आपको ख़रीदना है तो आप बाइकर सॉल्ट जाके ख़रीद सकते हो. मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट सबका दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है. ये रहा वेनम का बैकरेस्ट विद कैरियर, और ये रहा वेनम का चेन कवर, और ये रहा आपका वेनम का फ्यूल बॉटल. तो ये चारों प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, और अगर आपको ख़रीदना है तो आप बाइकर सॉल्ट जाके ले सकते हो. प्राइस अभी ऐसा है कि प्राइस आपको राहुल अच्छे से बता पाएगा. अगर आप बाइकर सॉल्ट जाओगे या तो उसको फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो, प्राइस वो अच्छे से बता देगा. फिर भी मैं एस्टिमेट अप्रॉक्स प्राइस में आपको बता देता हूँ. ये रहा वो अप्रॉक्स प्राइस. आई गॉट द मिरर्स ऑफ द थंडरबर्ड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अवेलेबल था जो कि राइट साइड का था. अभी लेफ्ट वाला और बाकी और दो मिरर उसको भी लेना है, तो वो हम लोग प्लान कर रहे कि ब्रिगेड में जाके ले. ओके, सो फाइनली ब्रिगेड से भी हम लोग ने यू नो मिरर्स ले लिए हैं. मिरर्स का अगर पेयर में आप पूछो तो प्राइस कॉस्ट कर रहा है 561. ठीक है, 561 का पेयर हम लोग को मिला है, मैंने और रोहित ने खरीद लिया. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स टू टेक द स्टिकर्स. 5 hours later. Okay, so mirrors जो थे वो लग चुका है बाइक पे, और उसके अलावा मैंने बाइक के ऊपर यू नो जो कुशन आता है ना, एक 1 inch का, वो भी लगा लिया है. मैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगा. फिलहाल मैं आपको अपना स्टिकर्स दिखा देता हूँ. ये रहा लद्दाख का
हैदराबाद का राइड, मतलब जो जो राइड के स्टिकर्स मैंने नहीं बनवाए तो वो भी मैंने इसी में बना दिया है। ये रहा आपका हैदराबाद का, यहाँ वन राइड का, और ये पूरा मेरे, ये मैंने इतने सारे इसलिए प्रिंट किए हैं ताकि लद्दाख में हर जगह पे कहीं कहीं पे स्टिकर सब लोग लगाते हैं। इसकी वजह से मैं किसी को देने के लिए ये नहीं प्रिंट किया हूँ, क्योंकि इस पे मेरा फेस है। तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार ये तो फेस वाला है, अगर नाम रहता तो बात अलग है, तो देने में अच्छा भी लगता था। कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है फेस वाला, इसलिए फिर मैं किसी को जल्दी देता नहीं हूँ। बाय द वे, ये लद्दाख वाला भी मैं ज़्यादा प्रिंट नहीं किया हूँ, मेरे बाइक पे, मेरे हेलमेट्स पे लगाने के लिए, लैपटॉप में ऑलरेडी देखो लगा चुका हूँ। तो अब आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये भी अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था अलग 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 लेने का, उसके बाद मैंने जब बात किया एक फ्रेंड से तो उसने बोला कि एक बॉक्स मिलता है, बॉक्स खरीद ले, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके अंदर क्या क्या है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं इसे अनबॉक्स। ये रहा सीजर, ये रहा बॉक्स, इसे ऐसे करते हैं। देन बाय द वे, मैं इसे इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे ऐसे सुनने में आया कि कभी कभी एक्सपायर प्रोडक्ट भी मिलते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरीके से ओपन कर देते हैं हम। ये रहा आपका एक बैंडेज, एमआरपी के साथ, आपको यहाँ पे एमआरपी के साथ मिल जाता है। इसमें आपको एक फर्स्ट एड किट, कैसे यूज करना है उसके बारे में पूरा डिटेल है। आपको इतना सारा मिलता है, मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट खरीद लिया, और 5-6 बैंडेड। ओके ठीक है, ये है आपका पैरासीटामोल 500, आपको बुखार में काम आएगा। देन ये विक्स वेपरअप, अच्छा विक्स नहीं, विक्स वेपरअप जैसा है, सीजर है, डेटॉल टाइप है, ये है। अब ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को पता भी नहीं किस लिए हैं। और ये टेप है, डाइक्लोफेनाक, ये आपका जब घुटनों उठनों में दर्द होता है तो जो वाला क्रीम लगता है, ये वो वाला है, बर्निल। चलो एक्सपायर तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, सारे 2020 के, 2019 है। इसके बाद अब जो वीडियो आएगा अब सीधा लद्दाख का आने वाला है। मैंने सोचा था ट्रेलर वेलर सब बनाऊंगा, लेकिन अब जैसा भी होगा ना गाइज, मुझे भी पता नहीं है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर नेटवर्क अच्छा रहा, अच्छे से वाईफाई सब मिले, तो मैं अपलोड ज़रूर कर दूंगा। और अगर वीडियो नहीं आया तो ये समझ लीजिएगा कि नेटवर्क नहीं मिला, इसी की वजह से वीडियो नहीं आया। सो अब जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है और जो स्टोरीज़ हैं लद्दाख के, वो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखा दूंगा। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।